हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 3ds Max में पिलो मॉडलिंग का। तो पिलो मॉडलिंग के लिए हम यहाँ पे दो मेथड्स यूज़ करेंगे, लो पॉली एंड हाई पॉली के लिए। तो हाई पॉली में जो रहता है वो 3D मेश जो नंबर ऑफ पॉलीगन्स वो ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले हम लो पॉलीगन का देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स लेंगे। तो इसके डायमेंशनस मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, इसमें कोई स्पेसिफिक डायमेंशन ही दे रखी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले एज फेसिस पर जाऊँगा, एडिट पे, और यहाँ पे सेगमेंट्स को मैं लेंथ और विड्थ के दो दो पे रखूँगा। और इसके बाद यहाँ से इसको करना है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। यहाँ से इसका व्यू टॉप व्यू करेंगे और यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसके एजेस के वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है। फिर कंट्रोल प्रेस करके सभी कॉर्नर के वर्टेक्सेस को सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से फिर से पर्स्पेक्टिव व्यू पर जाएंगे। यहाँ से हम स्केल टूल लेंगे, यूनिफॉर्म स्केल, और इसके बाद इसकी थोड़ी सी स्केलिंग इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो लो पॉली में हम सिंपल मॉडिफायर का यूज़ करके पिलो का मॉडलिंग करेंगे, और हाई पॉली उसमें हम क्लॉथ मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम मॉडिफायर ले लेते हैं, यहाँ से मैश स्मूथ या फिर टर्बो स्मूथ कोई भी मॉडिफाइड ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे टर्बो स्मूथ लेंगे। तो टर्बो स्मूथ लेने के बाद हम यहाँ से इसके हाइड्रेशन को दो पे रखेंगे, और यहाँ पे आप जो इसका साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे जब आपको ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पे आप सिंपल लो पॉली का यूज़ करके और स्मूथ वाला मॉडिफायर यूज़ करके आप यहाँ पे सिंपल एक सिंपल इस टाइप का पिलो या कुशन बना सकते हो। इसमें अगर आपको यहाँ पे एजेस पे बाउंड्री चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ जाके आप इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली पे। यहाँ पर एज फेसिस को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एज को लेके यहाँ पे लूप सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से आप मॉडिफायर यहाँ से आप इसको करोगे एक्सट्रूड। इस तरीके से ओके। अब आप यहाँ पे फिर से टर्बो स्मूथ मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। इस तरीके से तो इस तरीके से आप एक कुशन या पिलो आप बना सकते हो लो पॉली मॉडलिंग में। और अब हाई पॉली के लिए अब हम यहाँ पे लेंगे एक सिंपल सा बॉक्स इस तरीके से। एडिटिंग में हमें इसकी हाइट को बिल्कुल कम रखना है, हमने 0.5 रखी है, और लेंथ एंड विड्थ को, लेंथ को हम रखेंगे 40 एंड विड्थ को 60 इस तरीके से। यहाँ पे लेंथ सेगमेंट को हम इंक्रीज करेंगे अराउंड 50, विड्थ सेगमेंट का अराउंड 70 इस तरीके से। फिर इसके बाद अब हम यहाँ पे इस पे मॉडिफायर लगाएंगे, क्लॉथ मॉडिफायर। क्लॉथ मॉडिफायर में यहाँ पे ये ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी बॉक्स ही है सिर्फ, तो हम यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लॉथ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लॉथ में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इनेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं, तो इन प्रीसेट्स में आप कोई भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉटन लूँगा, और यहाँ पर जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है प्रेशर। तो यहाँ पर आप प्रेशर दोगे, तो यहाँ पर हम प्रेशर रखेंगे अराउंड 10 का। और यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन आता है कोलिजन ऑब्जेक्ट का। तो मान लो अभी नीचे अगर आपका कोई प्लेन है तो वहाँ पे, तो उसके लिए आप कोलिजन ऑब्जेक्ट को ऑन करोगे। लेकिन अभी हमने यहाँ पे नीचे कोई प्लेन नहीं ले रखा है, तो हम इसको ऑफ ही रहने देंगे और यहाँ से ओके क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे ग्रेविटी का देख लेना। अगर ग्रेविटी ऑन रहेगी तो आपको इसको ऑफ रखना है, क्योंकि हमने नीचे कोई भी प्लेन नहीं दिया है। तो जब आप कोलिजन ऑब्जेक्ट
ऑन करके उसको सिलेक्ट करोगे तब आपने यहाँ से ग्रेविटी ऑन रखनी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ से ग्रेविटी जो है वो ऑफ रखनी है। इसके बाद आप यहाँ पे सिमुलेट लोकल पे क्लिक करोगे तो अब ये सिमुलेट होना शुरू हो रहा है। यहाँ से एज फेसिस को ऑफ कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइम में सिमुलेशन को रोकना है तो आप यहाँ से सिमुलेशन वाला इसको फिर से प्रेस कर सकते हो, तो ये उसी पोजीशन में रुक जाएगा अगर आप यहाँ पे सिमुलेशन को प्रेस करते हो तो। तो अभी ये ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम यहाँ से इसको सिमुलेट पे क्लिक करेंगे तो इसकी सिमुलेशन रुक जाएगी। इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हो, यहाँ से स्केल लेके आप इसकी जो विड्थ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको इसमें कुछ रिंकल्स चाहिए या कुछ चाहिए तो आप यहाँ से दूसरा मॉडिफायर नॉइस मॉडिफायर लेके इसको, यहाँ से आपने नॉइस मॉडिफायर लिया है, इसके बाद यहाँ से फ्रैक्टल ऑन करेंगे और यहाँ से इसकी एक्स और वाई और जेड में इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ से स्केल को यहाँ से डिक्रीज़ करके अराउंड 10 या 15 पे, जितना आपको जिस पे आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो वहाँ तक आप इसकी स्केल को कम कर सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से आप इसमें डिस्टोर्शन ला सकते हो। इसके बाद इसको हम चेंज करेंगे एडिटेबल पॉली में। एडिटेबल पॉली में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एजेस, एज फेसिस को ऑन करके यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से हम रिंग लेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे कनेक्ट। यहाँ से मॉडिफायर लेंगे हम एक्सट्रूड, यहाँ से भी ले सकते हो या आप डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सट्रूड लेके इसको कर सकते हो। आप इस पे फर्दर सिंपल मैश स्मूथ लोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। कन्वर्ट एडिटेबल पॉली। अगर आपको यहाँ पे कुछ और इसमें चेंजेस करने हैं इसकी शेप में तो यहाँ पे आप एडिटेबल पॉली में इसको चेंज करने के बाद यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन है तो आप इसकी सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन करोगे फॉल ऑफ कम करोगे तो यहाँ से आप इसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हो। मतलब आप किसके एजेस को आपको कम करना है, आपको बीच में कुछ अगर ऐसे इम्प्रेशन टाइप कुछ दिखाना है पिलो में तो आप वो यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन से वो दिखा सकते हो। इस तरीके से तो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।